हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं कर्मन को एजुकेशन चैनल में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 29 दिसंबर से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अशोक लेलैंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि अशोक लेलैंड जो कंपनी है उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। ठीक है, जो ऑप्शन गिवन है हमारे पास वो है हिंदुजा ग्रुप, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप। So here option A is correct. Ashok Leyland is the parent organization of Hinduja Group. याद रखिएगा Ashok Leyland Hinduja Group की parent organization है। ठीक है, चलिए next question की तरफ move on करें। When Competition Commission of India was originated, हमें बताना है कि Competition Commission of India कब बना। ठीक है, जो option given वो है 2004, 2003, 2005 या 2006। So here option B is correct. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये ओरिजिनेटेड हुआ था 2003 में। ठीक है, ये 2003 में इसे बनाया गया, किसे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। व्हेन इंडियन एयर फोर्स वाज फाउंडेड, इंडियन एयर फोर्स कब बना। जो ऑप्शन गिवन वो है 1935, 1932, 1934 या 1936। So your option B is correct. Indian Air Force एक एयर आर्म है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में तीन फोर्सेस मिलनी आती है। एक जो है वो आपको बॉर्डर का सुरक्षा के लिए एक फोर्सेस है। ठीक है, एक है आपको नेवी के लिए और जो पानी के अंदर होता है, एंड थर्ड वन इज एयर फोर्स है। ठीक है, जो कि आसमान में दुश्मनों से लड़ती है। ठीक है, तो एक इंडियन एयरफोर्स क्या है, एक एयर आर्म है इंडियन आर्म फोर्सेस का, और इसे बनाया गया 1932 में। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 1932 क्या, इंडियन एयरफोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एवनगार्ड प्रीवियसली नोन एज, हमें बताना है कि एवनगार्ड को हम पहले क्या बोलते थे। ठीक है, उसका पहला नाम क्या था। जो ऑप्शन गिवन वो है ऑब्जेक्ट 4204, ऑब्जेक्ट 4202, ऑब्जेक्ट 4206 या ऑब्जेक्ट 4205। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवनगार्ड को हम प्रीवियसली ऑब्जेक्ट 4202 के नाम से पुकारते थे, और इसका दूसरा नाम YU-71 भी है एंड YU-74 भी बोलते थे। और ये क्या है, एक रशियन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है दैट कैन बी कैरिड एज अ MIRV पेलोड। ठीक है, जो कि MIRV पेलोड को कैरी करने के लिए काम आता है बेसिकली। और इसका दो या तीन नाम आप बोल सकते हो। एवनगार्ड का है ऑब्जेक्ट 4202, YU-71 एंड YU-74। ठीक है, और एक ये एक रशियन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि MIRV पेलोड को कैरी करता है। हाउ मेनी ईयर डील वाज साइंड बिटवीन अशोक लेलैंड एंड येस बैंक। ठीक है, कितने साल के लिए अशोक लेलैंड एंड येस बैंक के बीच में एक डील साइन हुआ है, हमें ईयर्स बताना है। जो ऑप्शन गिवन है वो है 4, 2, 3 या 5। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अशोक लेलैंड साइंड 2-year डील विथ येस बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग। ठीक है, अशोक लेलैंड येस बैंक के साथ 2 साल का डील साइन किया है व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कर्नाटका बैंक लोकेटेड, हमें कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ बताना है। जो ऑप्शन गिवन वो है मैंगलोर, बैंगलोर, चेन्नई या पुणे। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से यहाँ बता दूँ कि आपको बैंकों के जो टैगलाइन नीचे दिए रहते हैं ना, टैगलाइन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में मेनली आपको बैंक्स के टैगलाइन भी पूछे जाते हैं। जैसे कर्नाटका बैंक का यहाँ क्या टैगलाइन है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। याद रखिएगा, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इज द टैगलाइन ऑफ कर्नाटका बैंक। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप चलिए मूव ऑन करते हैं इसके आंसर की तरफ। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कर्नाटका बैंक लिमिटेड एक इंडिया का 12th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और उसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर। ठीक है, कर्नाटका बैंक क्या है, 12th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर इज इन मैंगलोर में, मीन साउथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस गुरु मूर्ति रिलीजेस बुक टाइटल्ड, एस गुरु मूर्ति ने अपना एक बुक रिलीज किया है, हमें उस बुक का टाइटल बताना है। जो ऑप्शन गिवन वो है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ ऑपर्चुनिटिज्म, The Indian Conservative या Society and Politics in India। So your option B is correct। S. Guru Murthy ने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है Politics of Opportunism। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा एस गुरु मूर्ति के द्वारा लिखा गया ये बुक। विच कंपनी कमीशंस इंडिया फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड 500 मेगावाट थर्मल यूनिट। ठीक है, हमें बताना है कि किस कंपनी के द्वारा इंडिया का फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड 500 मेगावाट थर्मल यूनिट स्टार्ट किया गया है। जो ऑप्शन गिवन वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या हैवल्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कमीशंस इंडिया फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड 500 मेगावाट थर्मल यूनिट। ठीक है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कमीशन के द्वारा कमीशंस किया गया है, स्टार्ट किया गया है इंडिया का फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड 500 मेगावाट थर्मल यूनिट का। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया रैंक्स डैश इन हाउस प्राइस एप्रिसिएशन ड्यूरिंग जुलाई सेप्टेम्बर। हियर ऑप्शन गिवन 48, 47, 46 या 45। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडिया ने यहाँ पर 47th रैंक हासिल किया है, कहाँ, इन हाउस, इन टर्म्स ऑफ हाउस प्राइस एप्रिसिएशन ड्यूरिंग जुलाई सितंबर मंथ। ठीक है, 47th रैंक हासिल किया है। विच कंट्री लिबराइजिंग फाइनेंशियल सिस्टम स्क्रैप्स बेंचमार्क लेंडिंग रेट। हियर ऑप्शन गिवन पाकिस्तान, चाइना, रशिया या सऊदी अरेबिया। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। China here liberalizing financial system scraps benchmark lending rate। ठीक है, यहाँ पर चाइना ने लिबराइज कर दिया है फाइनेंशियल सिस्टम को। ठीक है, चलिए अब यहाँ चाइना कंट्री का मेंशन हुआ है तो हम चाइना का एक बार मैप देख लें। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर ये नेपाल के साथ शेयर करता है, म्यांमार के साथ भी आपको दिख रहा है, बांग्लादेश के साथ भी है, भूटान के साथ भी है। ठीक है, फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो लाओस के साथ है, थाईलैंड के साथ है, वियतनाम के साथ है, मीन्स बहुत सारे एशियान जो कंट्रीज हैं इनके साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और अगर आप यहाँ पर नॉर्थ की तरफ आओगे तो एक छोटा बॉर्डर रशिया के साथ है एंड मंगोलिया के साथ भी आपको ये बॉर्डर देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस वन इज द मैप ऑफ चाइना। और आप देख सकते हो बीजिंग जो चाइना का कैपिटल है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु चेयर्ड द रिव्यू मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ DUNER। DUNER का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग रखा गया था तो उसे चेयर्ड कौन किया है, उसे लेड कौन किया है। ठीक है, जो ऑप्शन के वो है डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर या डॉक्टर नरेश कुमार। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। याद रखिएगा इनके पास बहुत सारे मिनिस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मिनिस्ट्री इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है। सेकेंड आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, पर्सनल है, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस का आपको दिया गया मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस का भी साथ ही साथ दिया गया मिनिस्ट्री। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखिए, दिस वन इज द इमेज ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने चेयर किया था अभी जो रिसेंटली रिव्यू मीटिंग रखा गया था ऑन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु इनॉग्रेट्स द नेशनल वर्कशॉप ऑफ HRD मिनिस्ट्री। हमें बताना है कि नेशनल वर्कशॉप जो HRD मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया उसे इनॉग्रेट किसने किया था। जो ऑप्शन गिवन है वो है श्री रमेश पोखरियाल, श्री अरुण जेटली, श्री प्रकाश जावड़ेकर या ऑप्शन डी श्री राजेश शर्मा। सो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारे जो यूनियन HRD मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेशनल वर्कशॉप ऑफ HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, दिस वन इज द इमेज ऑफ रमेश पोखरियाल जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया नेशनल वर्कशॉप ऑफ HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, विच कंट्री डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट एवांगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। हियर ऑप्शन गिवन इंडोनेशिया, रशिया, इराक या कंबोडिया। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। रशिया हियर डिप्लॉयज इट्स फर्स्ट एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, जिसका मैं डिस्कशन आपको पिछले क्वेश्चन में भी कर चुकी हूँ। और ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रशिया का टर्म मैप आया है तो मतलब मेंशन हुआ है टर्म, तो रशिया के लिए मैप लाई हूँ मैं। दिस वन इज दी ह्यूज मैप ऑफ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसका एरिया है। ठीक है, एंड मंगोलिया के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, चाइना के साथ ही अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यहाँ पर आओगे तो आपको देखिएगा कजाकिस्तान। ठीक है, बहुत सारे कंट्री के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पर वेस्ट में तो फिनलैंड आपको दिख रहा है। ठीक है, और पोलैंड है, नोवगॉर्ड है, ठीक है। आप देख सकते हो मॉस्को, मॉस्को यहाँ पर है। और दिस वन इज द इमेज ऑफ रशिया। Which country ranks 47th in house price appreciation during July-September? Your option given Pakistan, India, Indonesia या Saudi Arabia. So your option B is correct. India ने यहाँ पर 47th rank हासिल किया है house price appreciation during July-September में। India stood at 11th position in the April-June quarter of 2019 with a 7.7% year-on rise in home prices. ठीक है? When Competition of Commission was founded? ठीक है, जो ऑप्शन गिवन हुआ है 2004, 2003, 2005 या 2006, सो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इट इज एस्टेब्लिश ऑन 14 अक्टूबर 2003, ठीक है। याद रखिएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया, 14 अक्टूबर 2003 में इसे बनाया गया। विच कंट्री बैंड इंडियन व्हीकल्स ऑन पोखरा रोड अहेड ऑफ न्यू ईयर? ठीक है, हेयर ऑप्शन गिवन नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। सो हेयर ऑप्शन इज करेक्ट। नेपाल हेयर बैंड व्हीकल्स विद इंडियन नंबर प्लेट्स फॉर रनिंग इन द टूरिस्ट हब ऑफ पोखरा अहेड ऑफ द न्यू ईयर। ठीक है, तो नेपाल ने अभी रिसेंटली न्यू ईयर को देखते हुए यहाँ पर व्हीकल्स जो इंडियन नंबर्स के साथ है उनको बैन कर दिया है। ठीक है, अब नेपाल यहाँ मेंशन है तो नेपाल को एक बार मैप में देख ले। काठमांडू आप देख सकते हो, नेपाल का कैपिटल यहाँ है और ये चाइना के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, और यहाँ की तरफ आओगे आप तो आपको यहाँ दिखेगा, दिख नहीं रहा है, भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया के साथ भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर है। Which bank signed 2-year deal with Ashok Leyland for vehicle financing? इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूँ, आंसर नहीं बताऊंगी, आप इसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। Which insurance launched health insurance approved DIY doctor approved and simplified by kids? Here option given Tata AIA Life Insurance, Digital Insurance, PNP MetLife Life Insurance या DHFL Pramerica Life Insurance. So here option B is correct. Digit Insurance ने यहाँ पर health insurance approve कर दिया है, launch किया है health insurance approved DIY doctor approved and simplified by the kids. ठीक है, Digit Insurance याद रखिएगा, Digit Insurance. Which company signed 2-year deal with Yes Bank for vehicle financing? एक ही क्वेश्चन को आपको तरह तरह का मतलब डिफर करके पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी अशोक लेलैंड। एक्सप्लेन नहीं करूंगी, प्रीवियसली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। Which bank launched TAB Banking Services? किस बैंक ने अभी रिसेंटली TAB Banking Services लॉन्च किया है? हेयर ऑप्शन गिवन विजया बैंक, कर्नाटका बैंक, देना बैंक या कैनरा बैंक। So here option B is correct. Karnataka Bank here launches TAB Banking Services. याद रखिएगा TAB Banking Services. The TAB Banking account opening process. The bank can onboard the prospective customer and open the saving account, bank account. ठीक है? तो इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।